हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार जायसवाल है और मेरा यूट्यूब चैनल अशोक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में वैक्सीन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे एसएससी, व्यापम, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी या फ्यूचर में आने वाले जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं उसके लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न या क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में या एसएससी, व्यापम इसमें आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इससे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में वैक्सीन लगवाने का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से घर बैठे किया जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया था, जिसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, जिसे देखकर आप खुद वैक्सीन लगवाने का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वैक्सीन के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारत में बना हुआ तीन प्रकार का वैक्सीन लॉन्च हो गया है, जो फर्स्ट है कोवैक्सीन, सेकेंड कोविशील्ड वैक्सीन और थर्ड होता है स्पुतनिक वी का वैक्सीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं तीनों वैक्सीनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसको किसने जो तीनों वैक्सीन है इसको किसने बनाया था, वैक्सीन टाइप क्या है, दो डोज कितने दिन के अंदर से लगेंगे, इफेक्टिवनेस वैक्सीन कितनी है, इसका स्टोरेज कितना है और 40+ के लिए इसकी कीमत क्या हो सकती है और 18 से 44 के लिए इसकी कीमत क्या हो सकती है और इस तीनों वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या है, इसी के बारे में आज मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इन्हीं तीनों वैक्सीनों को लेकर बताऊंगा, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है और इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को कंपटीशन एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इस तीनों प्रकार के वैक्सीन को सबसे पहले किसने बनाया था। ठीक है, तो जो कोवैक्सीन है उसको ICMR भारत बायोटेक ने मिलकर विकसित किया था। कहाँ बनाया था, ये हैदराबाद में बना है या बन रहा है। ठीक है, दूसरा है आपका कोविशील्ड, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्राजेनेका ने क्या है बनाया। ठीक है, और जगह यह कहाँ है, पुणे में बन रहा है। ठीक है, थर्ड है आपका स्पुतनिक भी। ठीक है, इसको मास्को ने गमालिया इंस्टीट्यूट के RDIF के साथ मिलकर बनाया, ये भी जगह हैदराबाद में ही बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये कंपटीशन एग्ज़ाम में कभी भी पूछ सकता है इसके बारे में कहाँ बना या इसको किसने बनाया था। ठीक है, इसके बाद इसका स्टोरेज, इसको आप कितने डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रख सकते हो। तो आपका जो कोवैक्सीन है उसको 2 से 8 अंश डिग्री सेल्सियस पर उसको आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और जो कोविशील्ड है उसको भी 2 से 8, और स्पुतनिक भी है उसको भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड नंबर का है वैक्सीन टाइप से क्या है। तो कोवैक्सीन ये क्या है, इनएक्टिवेट प्रकार का वैक्सीन है। ठीक है, और जो कोविशील्ड है वो नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर का वैक्सीन है। आपका जो स्पुतनिक भी है वो भी नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर का ये क्या है, वैक्सीन है। ये भी कंपटीशन एग्जाम में आपको या फ्यूचर में जितने भी एग्जाम होगा, कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपको देखने को ये भी मिल सकता है। इसके बाद है दो डोज कितने डे के अंदर से लगेंगे। तो कोवैक्सीन आपको फर्स्ट डोज के बाद 28 दिन के बाद लगेगा, कोविशील्ड ये 42 से 56 दिन के बाद आपको लग सकता है या लगेगा, या स्पुतनिक भी ये 21 डे में आपको लगेगा फर्स्ट डोज के बाद। ठीक है, ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा या भविष्य में जितने भी आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको ये दिखाई देगा ही देगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखते हैं, इफेक्टिवनेस कितनी है। तो जो आपका कोवैक्सीन है वो लगभग 78% क्या है, इफेक्टिवनेस है। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कोवैक्सीन का 78% है, कोविशील्ड का 70% है और स्पुतनिक भी का 92%। सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्पुतनिक भी इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इफेक्टिवनेस आपको 92% देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट है आपका 45+ की इसकी कीमत क्या होगी। तो जो कोवैक्सीन है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको क्या मिलेगा, फ्री में अवेलेबल होगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में वो आपको एक डोज का 250 पड़ जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात जो कोविशील्ड है उसका भी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको फ्री रहेगा, प्राइवेट में 250 इसका भी। ठीक है, उसके बाद जो स्पुतनिक भी है
इसका भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ये भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डोज का आपको 250 पड़ेगा। ठीक है, ये तो था 40+ 45+ के लिए कीमत था। इसके बाद देखते हैं 18 से 40 के लिए इसकी कीमत क्या है। तो कोवैक्सीन है इसका, आपको मतलब केंद्र सरकार इसको क्या है, स्टेट को 600 में अवेलेबल करा रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल को 1200 में अवेलेबल करा रहा है। कोविशील्ड को इस 300 में अवेलेबल करा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को, और प्राइवेट हॉस्पिटल में 600। लेकिन स्पुतनिक भी, इसका भी तक ना तो क्लियर पता नहीं है कितने में अवेलेबल गवर्नमेंट को करा रहा है, कितने में प्राइवेट हॉस्पिटल को करा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका जो साइड इफेक्ट है इसको देखते हैं। ये क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को बार बार मिलेगा। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न या क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही सकता है या मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जो कोवैक्सीन है इसका सबसे पहला क्या है साइड इफेक्ट है, ये इंजेक्शन की जगह पर क्या है, दर्द। ठीक है, प्रारंभ होता है। ठीक है, जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर दर्द देना स्टार्ट हो जाएगा, सिर दर्द। ठीक है, थकान, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, बुखार, ये क्या है कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट है। उसके बाद जो कोविशील्ड है इसका भी साइड इफेक्ट है, इंजेक्शन के जगह पर दर्द, सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, बुखार, उल्टी आना, ये भी क्या है कोविशील्ड का साइड इफेक्ट है। इसके बाद स्पुतनिक भी, इसका भी इंजेक्शन के जगह पर दर्द होना, सिर दर्द होना, थकान होना, जोड़ों में दर्द होना, कमजोरी आना, बुखार आना, उल्टी आना, ये भी आपका स्पुतनिक भी का क्या है साइड इफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पूरी वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो वैक्सीन है उसमें तीनों वैक्सीनों के बारे में, डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर एंड कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। थैंक यू दोस्तों।